चलो स्टार्ट करते हैं। आज इंट्रोड्यूस मोशन का लेक्चर नंबर 14 हम लोग कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस फ्रिक्शन के बारे में पढ़ लिया था। फ्रिक्शन क्या बताया था, कितने टाइप का फ्रिक्शन होता है। पहला बताया था स्टैटिक फ्रिक्शन, जब तक बॉडी रेस्ट पे होती है तब तक जो फोर्स लगेगा अपोजिंग फोर्स उसे कहेंगे स्टैटिक फ्रिक्शन। जो मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन होता है उसको कहते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या करने लगता है, मोशन में आ जाता है ना। मतलब जो कहते हैं कि जब फोर्स हम लगाए थे, मान लो किसी ऑब्जेक्ट को मूव कराने के लिए 10 न्यूटन का फोर्स चाहिए और हमने कितना लगा दिया भाई, 9.9 यानी कि 10 न्यूटन तक लगा दिया, ठीक। तो अभी मोशन में आया नहीं है, ठीक है, ये क्या है लिमिटिंग फ्रिक्शन। और जैसे ही इससे एक्सीड करेंगे वैसे क्या होगा, ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। अब जब मोशन में आ जाएगा उस टाइम पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा कौन सा होगा, काइनेटिक फ्रिक्शन, ठीक है। तो मेजरली हम लोग को इस पर ही ज्यादा फोकस करना है, कौन कौन से, स्टैटिक, काइनेटिक और लिमिटिंग, है ना। तो यहाँ पर हम लोग कुछ क्वेश्चन कर रहे थे, तो यहाँ क्या दिया होगा बताइए, यहाँ से कुछ फॉर्मूले आपको लिखवा दिए गए थे। अगर आपका काइनेटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखा गया होगा Fk is equal to mu k into n, n क्या होता है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। अभी नॉर्मल रिएक्शन क्या होता है, किसी ब्लॉक को किसी सरफेस पर रख लोगे तो वो सरफेस क्या करेगा, रिएक्शन फोर्स लगाएगा, इसकी वैल्यू कितनी होगी n, जो कि mg के अपोजिट डायरेक्शन में होगा। m क्या है इसका, मास, ठीक है, ठीक। यहाँ पर इसी प्रकार से स्टैटिक फ्रिक्शन क्या हो जाएगा, म्यू एस इंटू एन। μs क्या होता है, अब यहां से ये μk μs क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, एंड μs क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये सब बता दिया था मैंने, ठीक। सर टेस्ट कैसे होगा, सब्जेक्टिव और एमसीक्यू बेस्ड, कितनी जल्दी लेवल होता है, यस लेवल्स सर, लेवल जो पढ़ा रहे वो सब आएगा, एक्स जितना भी देखो आप, ये हर बार नहीं बताएंगे, आखिर में बता रहे, जितना पढ़ा रहे हैं वो सब आएगा, जितना पढ़ा दिया वो भी, ठीक। अब ज्यादा परसेंटेज जो रिसेंटली पढ़ाया गया, कम जो पीछे पढ़ाया गया, ठीक है, 70-30, ठीक, 70% रिसेंटली वाला, 30% पीछे वाला, ठीक है, ताकि उसको भी पढ़ते रहो। अगर कह देंगे पीछे से कुछ नहीं आएगा तो वैसे उसको बंद करके रखे हो, वो परमानेंटली बंद हो जाएगा, ठीक है, इसीलिए पीछे वाला भी थोड़ा बहुत पढ़ते रहो। आगे देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं, लेंथ ऑफ अ चेन इज एल, कितना है टोटल लेंथ इसकी एल, एंड कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है म्यू, ठीक। Calculate the maximum length of the chain which can hang from the table without sliding. अच्छा ध्यान से सोचो, आपने ये केस तो घर में भी देखा होगा, है ना, अभी कुछ मिल नहीं रहा हमको कराने के लिए, ये तो दिखाते हैं आपको। ये क्या है यार, एक टेबल रखी हुई है ना, उसके ऊपर एक चेन थी जिसकी लेंथ L थी, हमने क्या किया उसका कुछ पोर्शन लटका दिया साइड से, है ना। तो अब ऐसा तो होगा नहीं हल्का सा पोर्शन लटकाने से नीचे गिर जाएगी, नहीं ना, लेकिन हल्का खसकाते जाएंगे थोड़ी देर बाद क्या होगा, ये चेन पूरी नीचे आ जाएगी। इसका मतलब है कि अगर नीचे की तरफ कोई इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हो, कौन सा लगा रहा, जो ये आपका हैंग पार्ट है ना, जब वो एक्सीड कर जाएगा, किसको एक्सीड करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स को, स्टैटिक फ्रिक्शन। आपको स्टैटिक फ्रिक्शन कहां लग रहा है बॉस, इसमें तो कुछ दिख ही नहीं रहा है। मैं कहूंगा भैया एक चीज बताओ, जितना आपका सरफेस पे है टेबल पे रखा हुआ उतने के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन लगेगा कि नहीं लगेगा, लगेगा, है ना। और जो mg होगा, सुनना ध्यान से, अब यहां गलती नहीं होनी चाहिए, जो नॉर्मल रिएक्शन प्रोड्यूस हो रहा है वो किसकी वजह से हो रहा है, जितना रिमेनिंग पार्ट है बस उसी की वजह से हो रहा है, जो पार्ट हैंग्ड है वो कहीं पर भी नॉर्मल रिएक्शन में पार्ट नहीं लेता, ठीक है। अभी इसके पहले मैं डायग्राम बनाया था, वहां पे क्या किया था, मैंने बोलता ब्लॉक है जो सरफेस पे रखा, पूरा ब्लॉक रखा था ना मैंने, तो उसमें मैंने क्या बोलता, पूरा ब्लॉक एक mg फोर्स नीचे लगा रहा, बिकॉज उसका मास कितना है, स्मॉल है, ठीक। तो नॉर्मल रिएक्शन क्या होगा, एक रिएक्शन फोर्स है जो कि सरफेस लगाता है इसके ऊपर, ब्लॉक के ऊपर कितना होगा, ऊपर की तरफ। इसी प्रकार से जितना पार्ट सरफेस पे है उतने पार्ट पे से तो रिएक्शन फोर्स होगा, है ना। तो इसका मतलब है यहां क्या लिखा हुआ, यहां लिखा हुआ बेटा डब्ल्यू डैश, जो कि क्या है, एक एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट है, एपरेंट वेट क्या होता है, जो कि एक्चुअल वेट के बराबर नहीं होता है, उससे अलग होता है। जैसे कि अलग कैसे हुआ, ये जो वेट है वो सिर्फ एल माइनस वाई लेंथ ऑफ स्ट्रिंग या फिर जो भी दिया हुआ चेन की वजह से है। तो एल माइनस वाई का जो भी मास रहा होगा उस मास को मल्टीप्लाई किसे करेंगे, जी से करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, डब्ल्यू डैश, सिंपल है। अब ध्यान से यहां पर वाई लेंथ, मैंने बोला कि वाई लेंथ ऑफ जो चेन है वो हैंग कर रही है, ठीक। तो क्या होगा बेटा, ध्यान से सुनना, बहुत आसान है। अब इसका कुछ मास होगा, मान लेते हैं एम डैश, मान लेते हैं स्मॉल एम डैश, ठीक। तो नीचे की तरफ एक लगेगा, क्या क्या लगेगा, इसका सेंट्रो मास होगा। सेंट्रो मास कहाँ होता है, जिसके सब बेसिक्स होते हैं, इसको नहीं पता उसके लिए बता दे रहे हैं। कोई भी अगर एक रॉड है जिसकी लेंथ कितनी है एल, अगर एल लेंथ, सुनना ध्यान से, बेसिक्स है इसलिए फटाफट सुन लो,
लेट अगली बार मिलोगे तो मैं नहीं आने दूंगा अंदर, भाई बाहर चले जाना, ठीक है? हमें कोई दिक्कत नहीं है, टाइम से क्लास में आया करो, ब्रेक दिया है उसके बाद ही बहुत देर वेट करके पढ़ाया हूँ, ठीक? तो ध्यान रखो अगर पढ़ना है तो। देखो अगर इस पूरे का मास स्मॉल एम है, सुनना ध्यान से, तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कौन सा पॉइंट होता है, जहां पर आपका ये वो पॉइंट होता है बॉडी का जहां पर टोटल फोर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक? जैसे कि हम लोग इंसानों का क्या होता है, कमर के पास ये नाभि जो होता है, यहाँ सेंटर ऑफ मास होता है, यहीं पर पूरे बॉडी का आप फोर्स, अगर हमारे पास कोई फोर्स लग रहा है तो वो यहीं पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। पीडी में हम क्या करेंगे, अपने आप को मिटा के एक पॉइंट बना देंगे जो कि सेंटर ऑफ मास को रिप्रेजेंट करेगा। तो इसी प्रकार से अगर कोई यूनिफॉर्म रॉड हो या चेन हो या कुछ भी हो तो उसका आप एल बाई टू कर दो, आपको क्या मिल जाएगा, सेंटर ऑफ मास। इसकी जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि भाई यहाँ पर अभी जब मैं यहाँ कह दूंगा वाई बाई टू पर क्या लग रहा है, नीचे की तरफ mg लग रहा है, m क्या है, इस y लेंथ ऑफ चेंज का मास, ठीक? मैंने कुछ भी ले लिया तो मैंने यहां लिख दिया लेट मास ऑफ y लेंथ ऑफ चेन कितना बेटा, m डैश, ठीक? तो इसका मतलब क्या लूंगा मैं, यहां पर नीचे लग रहा है डाउनवर्ड m डैश इनटू g, ये जो फोर्स है इसके वजह से क्या हो रहा है, ये फोर्स पर ट्रांसफर कहां होगा, टेबल वाली चेन पे, ये टेबल चेन के ऊपर क्या होगा, एक फोर्स लगेगा, ठीक? उसकी डायरेक्शन क्या होगी, इस तरफ, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो क्रिएट होगा वो किधर होगा, यहां बना हुआ है, हमेशा किसके अपोजिट होता है, एक्सटर्नल फोर्स के, एक्सटर्नल फोर्स किसने लगाया था, एम डैश जी ने, ठीक है? इस वाई लेंथ ऑफ वायर ने, चेन ने लगाया था इस पूरी बची एल माइनस वाई लेंथ ऑफ चेन के ऊपर, जिसकी वजह से ये इसके ऊपर इस तरफ एक्सटर्नल फोर्स लग रहा था, उसके अपोजिशन में क्या आ गया, एक स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक क्यों, क्योंकि चेन मोशन में नहीं है, रेस्ट पे है, ठीक? चलो तो रेस्ट पे है तो स्टैटिक फ्रिक्शन, चलो बहुत बढ़िया। तो इसका मतलब ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है वो मैं कह सकता हूँ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है जो आपका एक्सटर्नल फोर्स होगा, ये मैंने पढ़ाया था, क्योंकि आपको मैंने सिखाया था स्टैटिक फ्रिक्शन वो वैल्यू होती है जो डायरेक्टली डिपेंड करती है कि इसके ऊपर जितना भी फोर्स आपने लगाया उसकी वैल्यू बदलेगी, तो स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू बदल जाएगी, है ना? तो यहाँ क्वेश्चन फिर से पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है, कैलकुलेट द मैक्सिमम लेंथ ऑफ द चेन विच कैन हैंग फ्रॉम द टेबल विदाउट स्लाइडिंग। तो कह रहे कितनी वाई की वैल्यू होना चाहिए सच दैट ये मोशन में ना आए, मतलब लिमिटिंग फ्रिक्शन तक अपन को निकालना पड़ेगा। अपने क्या निकालना है, FL निकालना है, FL ही वो वैल्यू होगी जिससे अगर कम रहेगी वैल्यू जो y जो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ तभी तक ये मोशन में नहीं आएगा, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन ज्यादा फोर्स लगा देंगे तो ये मोशन में आएगा कि नहीं आएगा, ठीक? तो आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू निकाल लो, और लिमिटिंग फ्रिक्शन के फॉर्मूले के हिसाब से आपको क्या निकालना पड़ेगा, लेंथ ऑफ चेन, ठीक? तो कैसे करेंगे, मैंने आपको कंसेप्ट दे दिया, अब आप ट्राई करिए फिर मैं कराता हूँ। मिनट पे ही रुकी हुई है, अब देखो मुझे नहीं पता कि कितनी क्लास रिकॉर्ड हुई है आज, ठीक है? अब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, पता नहीं कब पॉज हो गया होगा वो, आई थिंक जब नोट कर रहे थे तभी किया था पॉज मैंने, तो रिकॉर्ड हो गया है पूरा, ये वाला पार्ट रिकॉर्ड नहीं हुआ होगा, ठीक है? अभी हम कॉल करेंगे सॉल्व तो पता चल जाएगा। तो कैसे करोगे भाई, ए का मैं कर रहा हूँ सॉल्व, ठीक है भाई, टाइम बचाने के लिए। तो पहले वाले का एफबीडी बनाऊंगा तो क्या बनेगा, मैंने कहा था एक पॉइंट लेना है, फिर डिफरेंस लाइन एक एक्स हो गई एक वाई, क्या है भाई ये एक्स हो गया और ये हो गया वाई, इसको मिटा देंगे बाद में जरूरत नहीं होगी। तो पहले क्या करेंगे अपन, ओरिजिनल कंपोनेंट बनाएंगे, दैट इज एफ, कितना है ये mg, लिख दो मैं इसको, एफ की वैल्यू कितनी दी है क्वेश्चन में, mg दिया है बेटा मैंने, mg ले लिया। अब इसको कंपोनेंट कहां से, थीटा कहां से बन रहा था, यहां से। अगर जिसको नहीं करना है सर थीटा के फॉर्म में मुझे आंसर चाहिए उसके लिए बता दूं, तो कुछ मत करो भाई, एंगल ऊपर से बन रहा है ना ये, तो अब ये इसको देखो कौन सा फ्री होता है, जो कंपोनेंट होता है उसी को फ्री करते हैं ना अपन, वाई एक्सिस तो कहीं नहीं जाएगी, तो ये जब मूव करेगा तो ये क्लोज करेगा तो क्या बनेगा, साइन कि कॉस, कॉस बनेगा, कॉस बनेगा, ठीक है? और जब इसको ओपन करेंगे तो साइन, तो इसको क्लोज करेंगे तो क्या बन जाएगा, एम जी कॉस थीटा, और यहाँ क्या बनेगा, एम जी, फिर उसका क्या सिखाया था, जब कंपोनेंट रिजोल्व कर लो फिर एम जी को गायब करना सिखाया था कि नहीं, ठीक? जरूरी है ये, नहीं तो कंफ्यूजन होती है, ठीक? अब ये गया, अब इसके बाद जब देखा तो इसके ऊपर धरती माता बल लगा रही है, नीचे की तरफ खींच रही है, तो एक mg नीचे की तरफ होगा, होगा ना? और एक नॉर्मल रिएक्शन सरफेस ऊपर लगाएगा तो एक ऊपर
एन बी होगा, और कुछ है क्या? नहीं, बस इतने ही है। तो इक्वेशन बना ले, एक बार क्या करते हैं एक्स के अलॉन्ग बनाते हैं, एक बार वाई के अलॉन्ग। तो अगर ये रेस्ट पे है तो एम जी साइन थीटा क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा जीरो। यहां लिख देता हूं एट रेस्ट, ये कब? जब ये रेस्ट पे है, नहीं तो किस पर होता है, एम ए के बराबर होता। ठीक है, ये क्या लिखा मैंने, समेशन ऑफ एफ एक्स किया है मैंने सॉल्व, क्या किया है, समेशन ऑफ एफ एक्स, एक्स के अलॉन्ग वाले जितने फोर्स हैं सबको जोड़ डालो, तो यहाँ एक ही फोर्स है एम जी साइन थीटा। फिर क्या करेंगे, समेशन एफ y। अच्छा एक तो मैंने दिखाया नहीं बेटा, रेस्ट पे था, चलो कोई बात नहीं, लेकिन फिर भी एक गलती हुई मुझसे, गलती नहीं हुई, तुम लोग ध्यान नहीं देते, बोलना चाहिए था गलत है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है ना, जैसे ही अपन ने फोर्स लगाया वैसे ही एक जाग जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स, कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन है ना, जिसको मतलब एक यहाँ पर पीछे के यहाँ बनाया हुआ, जबकि मैंने तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक एफ एस आएगा कि नहीं आएगा, तो यहाँ इक्वेशन क्या हो गया, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू जीरो, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, और अभी भी रेस्ट पे है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि रेस्ट पे ही रहता है जब स्टैटिक फ्रिक्शन रहता है। ठीक, सेकेंड इक्वेशन क्या होगा भाई, ऊपर वाला साइड क्या होता है वाई का, पॉजिटिव, तो यहां से आ जाएगा एम जी कॉस थीटा प्लस एन इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, नीचे की तरफ एम जी। ठीक है, चाहे इक्वल टू करो चाहे माइनस करो, बात एक ही है। ठीक, अब इसको इधर लाओगे तो माइनस हो ही जाएगा अंत में। ठीक, तो आपको जैसे पसंद है वैसे कर लो, मुझे तो माइनस वाला पसंद है, तो मैं माइनस एम जी लिख के इक्वल टू जीरो कर दूंगा, माइनस एम जी इज इक्वल टू जीरो, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर टू। ठीक है, तो कंडीशन क्या है भाई, जब एम जी साइन थीटा की वैल्यू, कंडीशन क्या है बताइए, कह रहे हैं मूव कराना है, तो ये कंडीशन क्या है, देखो कंडीशन करने जा रहे हैं, तो कंडीशन बस लिखने ही आते हैं, समझने भी आते हो, बिल्कुल मतलब एक सवाल आ गया मेरे दिमाग में, क्योंकि अगर समझ रहे होगे तो इक्वेशन खुद ही बना लोगे, वो कहेगा कि हम बोलेंगे, लिख ले भाई, लिख ले लिख ले लिख ले, कहाँ तक हो गया, अभी एफबीडी बना रहे हो, तब तो तुम एक काम करो सोचो, कंडीशन फॉर विच, चलो बाहर लिख लेना, अगली बार फॉर विच लॉक विल मूव अलोंग अलोंग सरफेस, उसके लिए क्या होना चाहिए, एक ही कंडीशन है, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है एम जी साइन थीटा, उसकी वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए किससे, और बराबर लिमिटिंग फ्रिक्शन में बराबर हो सकती है म्यू एन। ठीक है, और एन की वैल्यू कैसे निकालेंगे, एक ही इक्वेशन है, क्या हो जाएगा एम जी माइनस एम जी कॉस थीटा, एम जी क्या करेंगे इस तरह भेज देंगे, तो बेटा क्या आएगा, फ्रॉम इक्वेशन टू क्या हो जाएगा, एन इक्वल टू एन माइनस एम जी था, इधर एम जी आएगा, और देखो ध्यान से यहाँ प्लस एम जी कॉस थीटा है, उधर जाएगा क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस एम जी कॉस थीटा, इसको उठा के अपन यहां पर कर देंगे। ठीक है, और अभी तो खत्म थोड़े ना हो गया, अभी तो शुरू हुआ है, तो यहां से क्या आ जाएगा एम जी साइन, इसको इक्वेशन नंबर थ्री बोल दे बेटा। ठीक है, तो यहां से आ जाएगा म्यू एम जी वन माइनस, गलत कर दिया क्या मैंने कुछ, मैंने एम जी कॉमन ले लिया, अरे एम जी यहाँ भी था, एम जी यहाँ भी था, मल्टीप्लीकेशन था तो बाहर निकाल लिया, बचेगा क्या, वन माइनस कॉस थीटा, और म्यू तो था ही पहले से, म्यू इंटू एन करना था। ठीक है, अब मैंने कहा डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एम जी, ये क्या है डिवाइडिंग, ये इनइक्वालिटी है ना बेटा, इक्वेशन नंबर थ्री देखो ना, ये ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, तो यहाँ इक्वल टू नहीं लगाएंगे ना, पहले सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय एम जी, इधर से भी कर दिया और ये गया, बचेगा गया साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू वन माइनस और साइन थीटा का एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला कौन सा होता है, अब यहां से बहुत लोगों को ऐसा हो रहा होगा अरे क्या पढ़ा रहे कर दिए है ना, क्योंकि सारे फॉर्मूले तो सर ही याद करेंगे, हम तो नीट देंगे नहीं, I'm
अब यहाँ अपन यूज करेंगे, वहां फॉर्मूला लिखा है, यहाँ लिखने जा रहे हैं। देखो इसमें कई लेवल पे एग्जाम आंसर्स होते हैं, कई जगह यहाँ पे इतने पे छोड़ दिया, यहाँ पे भी ये भी आंसर सही है। कई लोगों ने कॉट के फॉर्म में लिखा हुआ है तो कॉट वाला आंसर सही, तो कॉट वाला बनाना चाहिए, तो वही बनाने जा रहे हैं। ठीक है, कॉट का फॉर्मूला बनाने जा रहे हैं। अब यहाँ से फिर से एक फॉर्मूला चाहिए तुम्हें, कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर? कॉस टू थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा। सुनते हैं ना ध्यान से, देख कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। सब बेसिक मैंने पढ़ाया है, ठीक है, तो लिख लो जिसको नहीं आता है। अब इसको अगर हम इधर भेज दें तो इसको इधर भेज सकते हैं, तो क्या बन जाएगा 1 - cos θ = 2 sin स्क्वायर थीटा बाई। ठीक है, यहां से देखो ये हो जाएगा तेरा 2 sin θ / 2 cos θ / 2 ग्रेटर देन इक्वल टू, यहां आ जाएगा म्यू तो है ही, 2 sin² θ / अगेन डिवाइडिंग बोथ साइड बाई, क्या कर दें 2 sin θ / 2 cos θ / 2, हमने दोनों तरफ इसी से भाग दे दिया, कर दें डायरेक्ट कर दें क्या? चलो हम दोबारा कर देते हैं। तो मैंने कहा दोनों तरफ मैंने 2 sin θ / 2 और cos θ / 2 से डिवाइड कर दिया। मैथ कहता है जो करो वो दोनों तरफ करो, तब तक सही है, अगर एक तरफ करोगे तो गड़बड़। यहां जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, डिविजन क्या आएगा 2 sin θ / 2 cos θ / 2, एक साइन थीटा बाई टू एक साइन थीटा बाई टू को काट देगा, टू तो टू कट ही जाएगा है ना, बचेगा क्या एक साइन थीटा बाई टू ऊपर बचेगा और एक नीचे क्या बचेगा cos θ / 2। और एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है sin θ / cos θ बराबर होता है tan, और इसी उल्टा कर दें अगर क्या हो जाएगा, अब ये थीटा जो भी है थीटा कितना है थीटा बाई टू, तो क्या बन जाएगा cot थीटा बाई टू, इधर क्या जाएगा 1, क्या जाएगा क्या हम ही नशे में हैं कि तुम लोग भी हो साथ साथ में, क्योंकि हम कुछ भी बोल रहे हैं तुम लोग हाँ 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 करते जा रहे हो, ऐसे मतलब रटे हुए हो, अरे तुम लोग आंखें खोल के पढ़ रहे हो या बंद करके पढ़ रहे हो, क्योंकि हम ही सही आंसर बता रहे हो हम ही गलत बता रहे हैं, दोनों साथ में बता रहे और कोई ध्यान नहीं दे रहा, A to Z नशे में पढ़ रहे हो। मैंने यहाँ बहुत अच्छे से समझाया है ना, और मैंने यहाँ भी लिखा है बहुत अच्छे से, तो मैंने कहा साइन थीटा न्यूमरेटर में कॉस थीटा डिनोमिनेटर में, तुम कह रहे हो कॉट थीटा होगा, क्योंकि हम कह रहे हैं टैन होगा, टैन होगा सर, अरे तो अब बोल रहे हो ना, अभी तो बढ़ जाते आगे और तुम कहते हाँ हाँ सब चंगा चल रहा, थोड़ा ध्यान से पढ़ो भाई, यहाँ पर म्यू टैन थीटा ले आ रहे हैं पहले, आगे बढ़ो देखो कॉट तक पहुंचेंगे लेकिन एक स्टेप बाद, ऐसे समझ में आता है कितने लोग ध्यान से पढ़ रहे हैं कितने लोग कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, कॉपी पेस्ट वालों की संख्या ज्यादा हो गई है। जब पढ़ ही रहे हो तो थोड़ी आंखें वाखें खुली रखो, तब तो पढ़ने मजा आए, यहां तक पहुंच गए थे ना। देखो तो यहां बचेगा 1 > μ tan θ / 2, ठीक, अब यही सुन लेना ध्यान से, 1 upon tan θ / 2 होता है cot θ / 2, ठीक, जिसको नहीं पता रेसिप्रोकल थ्योरम होते हैं बेसिक्स में पढ़ाया था, 9th 10th में पढ़ाया जाता है पहली बार, क्या होता है tan थीटा का रेसिप्रोकल cot थीटा होता है, cot का रेसिप्रोकल tan, ठीक, तो यहां पर अगर चाहें तो फिर से क्या करें डिवाइडिंग बोथ साइड बाई tan थीटा बाई 2, अब यहां से कट जाएगा यहां आ जाएगा cot थीटा बाई 2 = दिस इज द कंडीशन फॉर विच ब्लॉक विल स्टार्ट मोशन अलोंग द सरफेस, यही वो कंडीशन जिसके लिए इतनी मेहनत कर रहे थे।
और कंडीशन डिसाइड कौन करता है, म्यू ही तो करता है भाई, एन के वाले तो भी निकाल लोगे, म्यू क्या है सरफेस के साथ डिपेंड करता है ना, तो जितना एंगल बना रहा है तो कॉट ऑफ थीटा बाई टू अगर ज्यादा है म्यू से तब क्या करेगा ब्लॉक मोशन में करेगा, और मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए जब बराबर हो जाएगा, तो कम से कम अगर ब्लॉक को मोशन में कराना है तो कॉट थीटा बाई टू की वैल्यू म्यू के बराबर होनी चाहिए, अगर ऐसा नहीं है तो ब्लॉक मोशन में बिल्कुल नहीं आने वाला, ठीक है समझ में आ गया। नेक्स्ट वाला कैसे करेंगे, नेक्स्ट वाला करके देखते हैं, उसमें आंसर इसी का उल्टा आएगा, सेम प्रोसेस रिपीट करना है, ठीक है फिर से एफबीडी बनेगा, क्यों ऐसा होगा क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन देखो दोनों में अपोजिट कर दिया तो आंसर भी, तो उसमें इसमें क्या आएगा टैन, करो अभी करो टाइम बहुत है, करो इक्वेशंस बनाइए और हो जाएगा, टाइम अप हो गया करो, तुम्हें साथ साथ में करना लेकिन ठीक है। देखिए भाई सेकंड क्वेश्चन में क्या हो रहा है भाई, सिर्फ फोर्स का डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं, ठीक है वो अपवर्ड है वर्टिकली, अगर ध्यान से देखें तो वर्टिकल से एक थीटा एंगल बना रहा है ऊपर की तरफ, और दूसरा केस में क्या हो रहा है नीचे की तरफ बना रहा है, यहीं पे यहीं शुरू कर रहे हैं बी, यहां डायग्राम बना देते हैं पहले आपके लिए, ठीक है ये आपका ब्लॉक रखा हुआ है इस तरीके से, इसका मास एम है और यहां पर ये एंगल बना रहा है विद वर्टिकल कितना होगा थीटा, ठीक है इसकी वैल्यू कितनी है एम जी के बराबर, ठीक है तो इसका एफबीडी कैसे बनेगा, फिर से रेफरेंस लाइन बनानी पड़ेगी, एक सेंटर ऑफ मास से हम क्या करेंगे इस पूरे ब्लॉक को रिमूव कर देंगे एक पॉइंट से, है ना, और ये हो गया तुम्हारा रेफरेंस लाइन एक्स एक्सिस की और ये हो गया वाई एक्सिस, एक हैंड ऊपर लग रहा है चुपचाप बना लीजिए कोई दिक्कत तो है नहीं, मैंने कैसे कहा था एफ को नीचे ले जाओ है ना, यहाँ लेके चले गए ये कितना है ये एम जी है, एंगल कैसे बनाया जाता है सिखा देते हैं वापस से, नाइन्थ क्लास में सिखा था वर्टिकली अपोजिट एंगल, तो यहाँ से जो दो लाइन एंगल में आ रही है वही पीछे की तरफ क्या होगी अपोजिट एंगल कहाँ बनेगा यहाँ पर, तो ऊपर वाली लाइन मिटा दें जरूरत नहीं है इसकी मुझे, एक फिर से सिंपल कंसेप्ट सीखा था हम लोग ने क्या कि एंगल को बंद करेंगे क्यों, कौन सा फ्री वाली लाइन कौन सी है एम जी, इसको बंद करेंगे क्या बनेगा बेटा एम जी कॉस थीटा, और इधर क्या बनेगा, और उसके बाद अपन एम जी को मिटा देंगे कि रखेंगे मिटा देंगे, ठीक है उसके बाद एक mg नीचे बनी रहा था तो एक और एरो मार देंगे वहां लिख देंगे mg, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, ठीक है क्लियर है। अब यहां पर एक फ्रिक्शनल फोर्स होगा जो कि अपोजिट होगा, योग किस तरफ आएगा fs के बराबर होगा, ठीक है fbd बन गया समेशन ऑफ fx और समेशन ऑफ fy करेंगे, तो आप इसको मिटा दें इसकी जरूरत नहीं है, तो यहां क्या आ जाएगा समेशन ऑफ fx वाले केस में क्या आएगा बेटा, क्या आएगा यहाँ पर बताओ एम जी साइन थीटा, किसी को अभी भी साइन कन्वेंशन दिक्कत है तो बहुत सिंपल रखो बेटा, पॉजिटिव एक्स हमेशा पॉजिटिव होता है नेगेटिव एक्स हमेशा नेगेटिव होता है, समेशन करोगे तो एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस सी हमेशा आएगा, और हमेशा इक्वेशन कैसा बनता है रेस्ट वाला ही बनता है, एम जी साइन थीटा माइनस एफ एस इज इक्वल टू जीरो इक्वेशन नंबर वन, समेशन एफ वाई कौन सा मेथड है एनालिटिकल मेथड है ना, ये आप लोगों को सिखाया था मैंने दो तीन तरीके सिखाए थे उसमें से कौन सा ये एनालिटिकल मेथड टू सॉल्व इक्वेशंस है ना, तो यहाँ क्या होगा ऊपर क्या है n n माइनस mg माइनस mg cos थीटा इज इक्वल टू जीरो, कैसे किया फिर से वही कंसेप्ट, ऊपर वाला y x होता है प्लस y होता है नीचे माइनस माइनस y होता है ना नीचे, तो क्या होगा एडिशन करेंगे सीधे ये सब निगेटिव हो जाएंगे तो माइनस mg cos थीटा, ठीक है वेरी गुड। अब हमने क्या करना है fs के लिए कितनी होती है हम यहाँ पहले से देखते हैं fs क्या हो जाएगा म्यू टाइम्स ऑफ n, तो अगर पहले इक्वेशन सॉल्व करना है तो अपने को क्या चाहिए n जो कि कहाँ मिलेगा सेकंड इक्वेशन में, सेकंड इक्वेशन से n की वैल्यू कितनी आ गई mg प्लस, अगर पिछले वाले से कंपेयर करोगे तो यहाँ माइनस हुआ करता था है ना, तो आंसर इसका मतलब बदल रहा है यहाँ mg कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या 1 प्लस cos थीटा, ये हो गया तेरा n, ये हो गया तेरा इक्वेशन नंबर, इसको कहां पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर वन, ठीक है तो यहां से क्या जाएगा बताओ mg sin theta is equal to mu और n की कितनी है mg, लेकिन हमें तो कंडीशनल फॉर्म में सॉल्व करना है ये तो मैंने इक्वेशन बना दिया, तो कंडीशनल में क्या होगा यहां पर इक्वल टू हटा क्या कर देंगे ग्रेटर देन बना देंगे है ना, ये क्या हो जाएगा
क्यों ऐसा करते हैं? फिर से कोई कहेंगे गलत पढ़ा रहे हैं, अरे भाई वो सही बात है लेकिन वो लिमिटिंग फ्रिक्शन निकाल रहे हो। तुम क्या निकाल रहे हो? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लेकिन अगर ज्यादा फोर्स लगाएंगे तभी तो मोशन में आएंगे। तो लिमिटिंग फ्रिक्शन से अपन मान लेते हैं ऑब्जेक्ट ने अपना स्टेट चेंज कर दिया, इसीलिए इक्वल टू के लिए नहीं करते, इनइक्वालिटी में इसको सॉल्व किया जाता ताकि हमें कंडीशन मिल जाए। अगेन क्या करेंगे, एम जी मल्टीप्लाई है तो क्या करेंगे, एम जी को डिवाइड कर देंगे वो साइड, ठीक है, फिर से वही पहुंच गए। लेकिन इस बार इक्वेशन बदल गया, इस बार क्या आ गया भाई, क्या आ गया बताओ, यहाँ पर साइन थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, म्यू वन प्लस कॉस थीटा, फॉर्मूला बदल गया, तो इसका मतलब हमारा इधर ही बदल जाएगी, आइडेंटिटी बदल जाएगी। तो वन प्लस कॉस थीटा कब होता है इसको याद नहीं, उसके लिए कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा माइनस वन, माइनस वन को इधर भेजो क्या जाएगा, वन प्लस कॉस टू थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बेटा, ठीक। अब थीटा बाई टू का मतलब क्या होता है, इस एंगल को हमने हाफ कर दिया तो यहाँ वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो आइडेंटिटी क्या बन गई, वन प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू, बस यही यूज करने वाले। अगेन इसको क्या लिख देंगे, टू साइन थीटा बाई टू कॉस, अब अपन क्या करेंगे इसमें थोड़ा चेंज किया है, डिवाइडिंग बोथ साइड, इससे मेरा एक स्टेप बच जाएगा, इससे मेरा एक स्टेप बच जाएगा, अब इधर वन हो जाएगा, मुझे इधर को बार बार करना पड़ता है ना, एक स्टेप कम हो जाएगा। इधर क्या होगा, कॉस स्क्वायर एक कॉस थीटा बाई टू, एक हटा देगा कॉस को और टू वन जा टू, साइन थीटा बाई टू अपॉन कॉस थीटा क्या हो जाएगा, ये टैन, तो कंडीशन क्या आ गई, ठीक है, कि टैन थीटा बाई टू की वैल्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन से ज्यादा होनी चाहिए या फिर उसके बराबर हो सकती है, तभी आपका ब्लॉक क्या करेगा, सरफेस के लॉन्ग मोशन करेगा, नहीं तो नहीं करेगा, ठीक है बेटा, नोट कर लीजिए। डन, कहां तक पहुंचे तुम लोग इसमें? सर, ये साइन थीटा इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इनटू लेस देन, नहीं हो सकता ना, ग्रेटर देन इक्वल टू हो सकता है ना, कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस म्यू इनटू 1, यहां तक पहुंच गई तुम लोग, है ना, हां तो खत्म ही हो गया था, बस यहां तुम कॉस थीटा और 2 थीटा वाली आइडेंटिटी अगर याद की होती तो कर लेती, ठीक है कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाएं, लिखो यार लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। हो गया चलो क्वेश्चन करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 किलोग्राम, मास कितना है 2 किलोग्राम, इज प्लेस ऑन अ प्लेन इंक्लाइन एट एन एंगल ऑफ 37 डिग्री। अब यहाँ पर एंगल की वैल्यू लिखवाई थी मैंने, लिखवाई थी ना भाई, तो याद किए होगे तो कर लोगे, और नीट में सही बता रहे हैं, नीट में जानबूझ के आता है क्योंकि नीट का पेपर इजी होता है, तो उसमें यही एंगल वेंगल की वैल्यू आपको याद करनी होती है, अगर याद कर लोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा। विद द हॉरिजॉन्टल किससे बना रहे हैं, मतलब एक्स से बना रहे हैं, एंगल जो बनेगा वो क्या बनेगा प्लेन का, ये लो भाई ये कितना दिया हुआ है, ठीक। आगे क्या करें, द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड सरफेस कितना, म्यू की वैल्यू कितनी दी हुई है, वेरी गुड। तो व्हाट विल द फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक, तो आपसे क्या पूछ दिया, एफ स्मॉल एफ पूछ दिया, अब मैंने उसके आगे एस नहीं लिखा, क्यों लिखा, अभी अपन देखेंगे कि कंडीशन क्या बन रही है, मोशन में है या नहीं है, ठीक है, उसके हिसाब से डिसाइड करेंगे। व्हाट इज द फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन द ब्लॉक, तो कह रहे हैं मतलब ये क्या हो गया, अच्छा ये मैं देता हूँ, ये बताओ जरा ये कौन सा फोर्स होगा, कह रहे हैं फोर्स अप्लाइड बाय इंक्लाइन प्लेन ऑन द, ये मैंने लिखवाया है बड़े अच्छे से, एक पूरा एफ सरफेस करके मैंने पूरा एक हेडिंग बनवा के बढ़ाई थी, तो ऑब्वियसली जो सरफेस है वो क्या है, इंक्लाइन प्लेन है, तो वही जो फोर्स लगाता है उसी कहते हैं टोटल फोर्स, उसका फॉर्मूला है क्या, कौन सा एफ है ये, यही तो पढ़ने का तरीका ही गलत है ना, वहां पर फ्रिक्शनल फोर्स होगा तो स्मॉल एफ स्क्वायर बोलोगे तब मानेंगे, एफ तो कैपिटल एफ में आ जाता है ना, और उसके बाद बचा क्या, एक नॉर्मल रिएक्शन,
यही होता है ना, फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका? सेकंड वाले क्वेश्चन तो बहुत आसान है, क्या हो जाएगा? एफ प्लेन कितना हो जाएगा? अंडर रूट स्मॉल एफ प्लस, यही करना है। तो इसकी वैल्यू निकालोगे पहले वाले में, दूसरे वाले में बस पुट करनी है, ठीक है। तो एफ बी डी बनाए, एक ब्लॉक को प्लेस कर देते हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर एम जी लगा दो तुम, अब एफ बी डी तो बना ही लोगे यार, कम से कम एफ बी डी बनाओ, फिर हम बताते हैं। मुझे वो ये समझाए बस कि फ्रिक्शनल फोर्स नीचे की तरफ लगेगा या ऊपर की तरफ? नीचे की तरफ। कैसे नीचे से लग सकता है भाई? इसके ऊपर अपन कोई फोर्स लगा लेंगे, ही लिखा है क्या एक्सटर्नल फोर्स? हाँ, तो ब्लॉक क्या होगा, धरती माता इसको नीचे ले आएंगी कि नहीं ले आएंगी? तो जब अपन फोर्स नीचे लगा रहे हैं, मतलब धरती माता लगा रही है, तो हम लोग की साइड से लगा रही है ना, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में होता है ना, तो ऊपर ही तो लग सकता है, ठीक है। तो ऊपर लगेगा क्योंकि एम जी साइन इसको तो लटवाया था मैंने यार, कुछ करना ही नहीं, कंपोनेंट रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। एम जी साइन थीटा, और थीटा कौन सा? ये वाला है ना, और इसके कारण क्या हो जाएगा? एक फ्रिक्शनल फोर्स, वो भी स्टैटिक फ्रिक्शन। कुछ नहीं बताया तो अपन स्टैटिक लेके चलते हैं, फिर उसको मैक्सिमम कैसे करते हैं? इक्वल टू म्यू एन कर देंगे तो लिमिटिंग फ्रिक्शन मिल जाएगा, है ना। जब कुछ नहीं पता है तो अपन लिमिटिंग फ्रिक्शन के फॉर्म में सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। और इसके लिए भी बहुत दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, म्यू एन, फिर इसको अपन कह देंगे मैक्सिमम है तो, क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ अ टाइप ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन ओनली, ठीक। तो यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन भी चाहिए होगा, तो एन के पीछे क्या सिखाया था मैंने? एम जी कॉस, खत्म यार, हो गया सॉल्व। अब जिसने अच्छे से पढ़ा होगा उसको पेन चलानी है बस, और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो पूरा एक घंटे एफबीडी बनाएगा, फिर कंपोनेंट रिजॉल्व करेगा, फिर मेहनत करता रहेगा कल तक, है ना। और डायरेक्टली हो गया एन की वैल्यू कितनी? एम जी कॉस थीटा। कॉस 37 कितना होगा जिसको नहीं पता उसके लिए? 4/5 कितना आ गया? 4/5। एम कितना दिया हुआ है? 2। जी कितना लोगे? 10 ले लो, साइन 37 कितना होगा सौम्या? 3/5। चलो आज सही बताया इसने, साइन 30 से गलत बताने जा रही थी लेकिन अंत में सही बता ही दिया। चलो वेरी गुड, हाँ फ्रिक्शन कितना है? 11.2। यस वेरी गुड। लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना आ जाएगा? क्योंकि यार सामने बस वैल्यू पुट करनी है, ये कितना है भाई? 0.7। हाँ बेटा वही वही सही कह रहे हो, क्योंकि तुम यही कर रहे हो यहाँ पे स्टार्टिंग में। अभी तो बोला कि जब यूएन करते हैं तो मैक्सिमम लिमिटिंग, कुछ नहीं दिया है तो अपन लिमिटिंग मान लेते हैं उसको। तो यहाँ क्या जगह कितना आएगा? कॉस 37 कितना है? ठीक है, कर लोगे? कितना आएगा? 11.। जिसको नहीं है उसके लिए देखो, एन के पीछे कौन है? एम जी कॉस थीटा। तो एन की वैल्यू क्या होगी? एम जी कॉस थीटा। मैंने क्या सिखाया था? एफबीडी में क्या मानोगे? रेस्ट पे है, स्टैटिक लिखा है ना, तो रेस्ट वाली कंडीशन है, तो एन के सामने जो होगा वही इक्वल टू हो जाएगा, ठीक। अगर मोशन होता तब, अगर मोशन होता तब, रुको 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 सौम्या, अगर ये ब्लॉक नीचे आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया, अगर नीचे आ रहा है तो एक्सीलरेशन है, और मैंने बोल दिया इसको एफ के, ठीक है। चलो अगर पढ़ा होगा तो कर लोगी, मैंने बोला तो सुनो तो पहले, मैंने कहा ये ब्लॉक नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है विद एक्सेलरेशन ए, तो काइनेटिक फ्रिक्शन लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसकी जगह फॉर्मूले में क्या जाएगा? म्यू के एन आ जाएगा, उसे कुछ खास फर्क होता नहीं है, ठीक। अब मुझे बताओ एन का जो है इसमें कुछ चेंज आएगा क्या? नहीं, नहीं आएगा, नहीं आएगा, सही में नहीं आएगा, कंफर्म नहीं आएगा। नहीं आएगा, तो इधर अपन एक फोर्स लगा रहे हैं, नहीं आएगा। तो मैं चेक कर रहा था वो कितना कॉन्फिडेंट है, नहीं आएगा, क्योंकि हाँ अगर आएगा कब देखो बता देते, अगर अपन ने बोल दिया ये इस तरफ है एक्सटर्नल फोर्स, तो अब कंपोनेंट बनने लगेगा, क्योंकि प्लेन के अलोंग है, याद रखो इसके परपेंडिकुलर, तो कोई भी कंपोनेंट यहाँ पे आने वाला नहीं है। अगर ये एक एंगल बना रहा होता तब फिर गड़बड़ हो जाता, फिर मामला एक कंपोनेंट ऊपर एन के साथ जा रहा है, तो अब यहाँ से आपका गलत हो जाता, ठीक है। वो अच्छी बात ये है कि मैंने क्या बोला, प्लेन के अलोंग ही मोशन कर रहा है, तब तक ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, ठीक है।
तो अगर कुछ चेंज आएगा भी तो इस वाले लाइन में आएगा, क्योंकि वो प्लेन के अलोंग वाले कंपोनेंट को ही डिस्टर्ब करेगा, जो वर्टिकल है उनको कंप्लेन नहीं आएगी कोई भी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर करना है तो कैसे करेंगे यार, तो मैंने बोला डायरेक्शन ऑफ मोशन हमेशा पॉजिटिव, तो ये भी सीख ही लो, ये सीखने दे दो, तो एम जी साइन थीटा फिर अपोजिट माइनस इज इक्वल टू एम ए। ये कैसे किया, न्यूटन का सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, टोटल एक्सटर्नल फोर्स क्या होता है भाई, मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर। तो इस लाइन पे लगने वाला टोटल फोर्स कितना था, एम जी साइन थीटा माइनस एफ के स्क्वायर किसके बराबर होगी, मास इनटू एक्सेलरेशन, बस यही डिफरेंस होता है। और अभी जो हम लोग कर रहे हैं उसमें क्या कर रहे हैं, इस एम ए की जगह क्या लिखते हैं, जीरो, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट क्या है, रेस्ट पे मान के चलते हैं, बस यही चेंज आ जाएगा आगे चल के हम लोग यूज करेंगे। तो यहाँ आ जाएगा अगेन एफ एस एक आपका डबल, तो आप निकाल लिया ये तुमने, तो ये भी निकाल लो, एन की वैल्यू नहीं निकाली लेकिन तुम लोग ने, एन कितना आ जाएगा, एन आ जाएगा एम जी कॉस 37 दैट इज इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू 4 अपॉन कितना आ गया 16 न्यूटन। ठीक है, अब बेटा एन भी पता है और एफ एस भी पता है, यहां पुट करके जरा मुझे आंसर बताओ, सेकेंड वाला भी हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि डेसिमल में है ना, करो जल्दी नहीं करो, लेकिन सोचो अगर ऐसे एमसीक्यू दिया हुआ है 19.35 19.4 है, तुम्हें क्या लग रहा है ऐसा नहीं करेंगे वो, तुम ही स्मार्ट हो, सबसे तरीका सब बहुत सिंपल है, चार स्टेप में सॉल्व होगा, आपने 20 ढूंढ लिया, 20 आपने, अरे बस कर भाई, आएगा नहीं वैसे, कर नहीं पाएगा फिर एग्जाम। ठीक है, 19 का स्क्वायर और 20 का स्क्वायर, ठीक है, उसके बीच में नंबर है कहीं, ठीक। अब प्रॉब्लम ये है कि कैसे मिलेगा, सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि 19 के, अब यहाँ से कितना आगे बढ़ोगे, 0.20 करके चलो, ठीक है, 20 करके चल सकते हो या 25 करके चल सकते हो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, आइडिया मिल जाएगा, अगर नंबर ज्यादा आ गया इसका मतलब अब तुम्हें क्या करना, एलिमिनेट करना पड़ेगा कितने ब्रॉड स्केल में नहीं हो सकता। ठीक, दो बार करोगे 50 तक पहुंच जाओगे, 0.50 तक पहुंच जाओगे, है ना, और जो आपका आंसर आएगा वो कितना आएगा, 19.53। तो उसके बाद 50 के पास पहुंच जाओगे, उसका सॉल्व थोड़ा ना करोगे, फिर उसमें जो आंसर्स दिए होंगे हमेशा वो 5 के डिफरेंस या 10 के डिफरेंस दिया रहता है। ठीक, तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा ऑप्शन क्या आ जाएगा, 19.5। ऐसे एलिमिनेट किया जाता है, एग्जाम कॉम्पिटेटिव है तो वहाँ स्पीड में भी करना है और स्मार्टली भी करना है, और वहाँ डेसिमल में जानबूझ के आगे सब खेलेगा। तो नीट में कैलकुलेशन ही एक ऐसा पार्ट है जिसमें आपको फंसाएंगे, सब कुछ आता है फिर भी नहीं कर पाओगे, रीजन क्या है, यही है, छोटी छोटी बातें ध्यान नहीं दोगे। ठीक है, जैसे शहनवाज कह रहा हम तो कर ही नहीं पाएंगे, पहले से डिसाइडेड है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो ये इसका आंसर है बेटा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, ये क्वेश्चन करो, अ बॉडी ऑफ मास एंड रेस्ट ऑन ए हॉरिजॉन्टल फ्लोर। अब क्या है, हॉरिजॉन्टल फ्लोर है तो मतलब कोई प्लेन में नहीं है, ठीक ठीक रख दिया, विथ विच इट हैज अ कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन म्यू, इट इज डिजायर्ड टू मेक द बॉडी मूव बाय अप्लाइंग मिनिमम पॉसिबल फोर्स एफ, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ एफ। ऑब्वियसली यहां क्या निकालना है, सबसे कम यही होता है ना, इससे कम में तो मोशन में आएगा नहीं, तो लैम्बडा फ्रिक्शन निकाल लो, काम हो जाएगा। ठीक है, एंड द डायरेक्शन इन विच इट हैज टू बी अप्लाइड, और किस डायरेक्शन में अप्लाई करें जिससे आपका, अच्छा एक चीज बताओ, चलो अच्छा करो पहले इसका क्वेश्चन समझा दिया ना, फिर हम बताएंगे एक चीज। तो मैक्सिमम हो जाएगा, ऐसे तो मैक्सिमम हो जाएगा ना, अब तुम लोग यही चीज बताने जा रहे थे, वैसे जो ये कर मुझे बता, 90% यही करेंगे, एक काम करेंगे ऐसे फोर्स लगा देंगे, है ना, तुम कैसे लगाओगे, चलो छोड़ो नहीं नहीं इधर 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 आओ तुम, ये ऐसे तो ना चलेगा, नहीं नहीं ऐसे नहीं चलेगा। देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है कि स्टैटिक फ्रिक्शन को पढ़ा था तो उस टाइम बताया था मैंने कि अपन स्टैटिक फ्रिक्शन जो होता है डायरेक्टली होता है एफ अप्लाइड के, मतलब जितना तुम लगाते जाओगे उतना ही इधर इंक्रीज भी करता जाएगा, तो मिनिमम वाला कहाँ केस बनेगा, तो केस मिनिमम रखना है तो एक ही तरीका है। एक और चीज होती है जो परेशान करती है फ्रिक्शन को, जिसको क्या कहते हैं, नॉर्मल, अगर इसके खिलाफ में कोई आ जाए इसको रिड्यूस कर दे तो फ्रिक्शनल फोर्स कम हो जाएगा, है ना, और ऐसा कब हो सकता है, जब अपन कंपोनेंट के फॉर्म में रिजॉल्व
करें। तो आपको पता है एम की वैल्यू क्या होती है भाई, एम जी के बराबर। अब अगर फोर्स एक एंगल बनाएगा, अगर फोर्स, अब एंगल कितने पॉसिबल है, ऊपर बन सकता है, नीचे बन सकता है, ऐसा ही तो कुछ होगा, एक थीटा यहां से बन सकता है ना, और कहीं से तो बनेगा नहीं, एक यहां से बन जाएगा। तो कंपोनेंट इस तरीके से सॉल्व करो कि जो एन की वैल्यू है वो कुछ रिड्यूस हो जाए। तो एन बराबर एम जी माइनस अगर कुछ हो जाएगा तो अपना काम बन जाएगा। तो मतलब ऐसा कंपोनेंट चाहिए जिससे कि नीचे की तरफ एक कंपोनेंट आ जाए या ऊपर की तरफ आ जाए, नीचे की तरफ आए। देखो कितने गधे हो गए वो तुम लोग, ठीक है। आप देखना मैंने बोला माइनस हो जाए, तुमने एकदम रट लिया, कहा कि अरे एफ साइन के नीचे होगा तो घट जाएगा, लेकिन भैया वो तो एम जी के ऐड हो गया, तुमने तो पढ़ा दिया तुमने तो बढ़ा दिया, घटाया कहा। तो जब ऊपर होगा तो एन वाला इक्वेशन कुछ इस प्रकार से बनेगा। देखो जब अपवर्ड रहेगा कंपोनेंट, तो ये वाला जब कंपोनेंट रहेगा तो एक एफ साइन थीटा यहां बनेगा, मैंने कहा थीटा यहां से बना रहा हूं मैं, ठीक है। देखते जाना ध्यान से, बस छोटा सा डिफरेंस करने से पूरा पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। एक टॉपिक भी है कि पुलिंग जो है वो इजियर होता है या पुशिंग आपका इजियर होता है, एक कंपैरिजन करेंगे तो वहां पे भी सीखेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर ये फोर्स मैंने लगाया विद द एक्स एक्सिस, कितना एंगल बना रहा है थीटा, तो यहां तो एन था ही बेटा, यहां नीचे एम जी भी था, ठीक। अब F का एक क्या सिखाया था, बंद करेंगे तो cos कंपोनेंट क्या बन गया, F cos थीटा, एक क्या बन जाएगा sin थीटा। तो इक्वेशन कैसे दिखेगा, n plus F sin थीटा is equal to mg। अब F sin थीटा को इधर भेजेंगे क्योंकि n का फॉर्म बनाना है, तो n का क्या हो जाएगा, n is equal to mg minus, अब तो काम बन गया ना, रिड्यूस कर दिया कि नहीं कर दिया, और f cos थीटा की वैल्यू कम होगी। रीजन सुनो ध्यान से, मिनिमम की बात हो रही थी तो f टोटल वैल्यू थी, उसको दो हिस्से में बांट दिया, तो अब क्या हो गया, दो हिस्से में बट गया, इसका मतलब कुछ हिस्सा यहां चला गया होगा, तो अब जो छोटा वाला हिस्सा मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स ही तो रिप्रेजेंट करता है वो, तो f cos थीटा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू पुल दिस ब्लॉक, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये है, इसको करो, अब कंडीशन निकाल लो, तो यहां समझ में आ जाएगा F cos theta should be greater than equal to mu n, यही तो होगा ना, फिर बोल गया क्या, फ्रिक्शनल फोर्स यहां सर पीछे की तरफ है ना, और इसके सामने कौन है, F cos theta, तो F cos theta की वैल्यू इससे ज्यादा होनी चाहिए या इसके बराबर, बराबर होगी तो लिमिटिंग, ग्रेटर देन होगा तो मोशन तो करना ही करना, ठीक है। तो बस यहां से कंडीशन बना लो अपने लिए, और हमें इस बार F की कंडीशन बनानी है, किसकी कंडीशन बनानी है, एफ की, तो हमें एफ को छोड़ के बाकी सबको एक साइड करना है, ठीक है। सॉल्व करो जैसे पीछे करके आयो कॉट थीटा वाला, वैसे ही कुछ करोगे यहां पर भी, लेकिन इस बार एफ के लिए करोगे, ठीक है। देखो जहां तक हो गया वहां से फॉलो कर लेना, ठीक है। आखिरी क्वेश्चन सर, कुछ टॉपिक बचे वो पढ़ेंगे, यहाँ है ना, देखो आगे के टॉपिक बहुत आसान लगने वाले हैं क्योंकि काफी कुछ मैंने यही सिखा दिया है, पहले से बता दे रहा हूँ, जो लग रहा है तुम लोगों को बचा हुआ वो तुरंत खत्म हो जाएगा क्योंकि आप लोगों को बहुत पहले सिखा दिया मैंने काफी कुछ, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये कंडीशन बहुत अच्छी है, तो यहाँ से अपन लिख लेंगे f cos theta greater than क्या हो जाएगा mu n, n का इक्वेशन क्या बना था, n equal to क्या था mg minus f sin theta, ठीक है। सबसे पहले वो पुट कर लो, ठीक है, और उसका क्या करेंगे अपन, यहाँ पे क्या जाएगा f cos theta greater than equal to mu क्या जाएगा mg minus f sin theta, यही करोगे ना, F वाले टर्म को सबको एक साइड कर लेना, कैसे करोगे, एडिशन करना पड़ेगा, अच्छा स्टेप सिखा दे रहा हूं पहले से, एडिंग बोथ साइड बाय म्यू एफ साइन थीटा, जिससे क्या होगा ये इधर कट जाएगा और इधर ये ऐड हो जाएगा, इधर एफ कॉस थीटा प्लस म्यू एफ साइन थीटा ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी माइनस म्यू एफ साइन थीटा प्लस म्यू एफ साइन
एटा, और यहाँ से अब ये कैंसिल होगा, ठीक है, गलती हो जाती है आप लोग जल्दीबाजी में, ठीक है। तो क्या करेंगे, एफ कॉमन लेंगे, बचेगा क्या, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन म्यू एम जी, ठीक है। अब ध्यान से देखना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, ठीक है। अब यहां से कट जाएगा, कंडीशन मिल गई, एफ शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू म्यू एम जी अपॉन कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, यही कंडीशन है, ठीक है। दिस इज द कंडीशन फॉर विच जो ब्लॉक है वो आपका मोशन करेगा। अब मिनिमम फोर्स की बात कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है लेकिन थोड़ा पेशेंटली समझने की कोशिश करोगे तो ये तो कंडीशन हो गई मोशन के लिए। अब मिनिमम फोर्स की बात कर लेते हैं, तो एक टॉपिक पढ़ा था मैक्सिमा एंड मिनिमा, है ना, बेसिक मैथ में। देखो बेसिक मैथ बहुत इंपॉर्टेंट है, करो, जो छोड़ देगा उसको पढ़ना वो गया। अच्छा एक चीज बताओ, जिसको बेसिक वैसे कुछ नहीं आता है, पहली बार जिंदगी पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अगर कोई भी चीज फ्रैक्शन में दी हुई है वो वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है, मिनिमम कब हो सकती है, कोई ज्ञान है आपके पास, आठवीं पढ़ा होगा, किसी ने बताया होगा, 2/3 है। अब मुझे बोलना है कि इससे बड़ी चीज बनानी, मतलब अब ऐसा कुछ चेंज करो जिससे कि ये 2/3 की वैल्यू जो है, नेक्स्ट वैल्यू है वो मैक्सिमम वैल्यू है, मतलब इंक्रीजिंग वैल्यू मिल जाए, ऐसी वोकल कर देंगे, चलो बड़ा ठीक है, तुमने कह दिया, इन्होंने कह दिया तो मान ली मैंने, 2/3 को 3/2 कर दिया, सुनो ध्यान से, रेसिप्रोकल में ध्यान नहीं दिया, पता है इसने क्या किया, न्यूमरेटर को बढ़ा दिया डिनोमिनेटर को, अब मैंने कहा मिनिमम वैल्यू अगर निकालनी है फ्रैक्शन से, क्योंकि मुझे दिख रहा है फोर्स का जो फॉर्मूला है वो एक फ्रैक्शन वाली वैल्यू है, मैंने कहा कि भाई mg को तो मैं चेंज नहीं कर सकता क्योंकि वो कांस्टेंट है, मास तो नहीं चेंज कर सकते ना किसी का, वो तो फिक्स है, g को तो तुम भूल ही जाओ, म्यू तुम कर नहीं सकते, बचा क्या, सिर्फ डिनोमिनेटर की वैल्यू को ही अपन चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारे हाथ में क्या है, थीटा, कि हम कितने एंगल पे फोर्स को लगाएं। तो अब इस तरीके से थीटा हम वैरी करें सच दैट डिनोमिनेटर को क्या है, मैक्सिमम वैल्यू की तरफ पहुंच जाए, तो जब ये मैक्सिमम होगा मतलब बहुत बड़ी वैल्यू, तो पूरी वैल्यू क्या होगी, घटेगी कि नहीं घटेगी, तो इसका मतलब क्लियर है, फॉर एफ मिनिमम क्या हो सकता, बताइए क्या लिखें, क्या होगा कंडीशन, क्या होगी, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, जब ये मैक्सिमम होगा तभी ये मिनिमम होगा, तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा का मैक्सिमा निकालना पड़ेगा, और जब अपन निकाल लेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी फोर्स की जो सबसे कम है, कैसे करेंगे, डेरिवेटिव यूज करेंगे, dy dx करेंगे, है ना, तो डेरिवेटिव किसका करेंगे, ठीक है, तो क्या आ जाएगा बताओ, कंडीशन होती है बेटा मैक्सिमम मिनिमम की, ठीक है, ठीक, तो यहां यूज करेंगे कंडीशन ऑफ मैक्सिमम मिनिमम, क्या करेंगे भाई, dy d थीटा ऑफ cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, क्या आ जाएगा, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस sin थीटा ऑफ sin का प्लस cos थीटा, ठीक है, और फिर क्या करेंगे, इसको इक्वेट किससे करेंगे, जीरो से, क्या करेंगे, जीरो से इक्वेट करेंगे, कंडीशन ये होती है कि आप डेरिवेटिव निकालिए किसी भी फंक्शन का, फंक्शन क्या है ये, ठीक है, इसका डेरिवेटिव निकालिए और इसको इक्वल टू कर दें जीरो, तो आपको वो वैल्यू मिल जाएगी थीटा की जिस पे ये मैक्सिमम होगा, ठीक, तो बहुत सिंपल तरीका था, तो क्या कर देंगे अब इसको इक्वल टू कर देंगे जीरो, इसको सॉल्व कर लीजिए, तो सॉल्व करेंगे साइन थीटा इधर जाएगा तो म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, या फिर अपन कह सकते हैं टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, टैन थीटा इज इक्वल टू म्यू, थीटा इज इक्वल टू क्या गया, टैन इनवर्स ऑफ म्यू, ठीक है। अब अगर किसी को थोड़ा भी ज्ञान हो पाइथागोरस का, इतना 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 आसान हो जाएगा ना, अभी ये अभी तक तो इसको करने के बहुत टैन इनवर्स तुम लोग कर चुके, तो उम्मीद मत करना कि हम उससे बताएंगे, उससे आसानी बताएंगे, क्योंकि फिर कहोगे टीचर बहुत बेकार पढ़ाते हैं, जिससे अच्छे तुम्हें हम आसान बता देना, tan थीटा इज इक्वल टू, मैं tan इनवर्स नहीं पढ़ाने वाला, मैं ट्रिक सिखा दूंगा बहुत अच्छी सी। तो ये एक पाइथागोरस साहब थे,
जो संजीवनी बूटी की तरह है बायो वालों के लिए, है ना। वो बेचारे हर जगह तुम लोग के लिए चले आते हैं बचाने तुम लोग को, कुछ नहीं हो रहा है तो हम जिंदा है, है ना। तो आओ देखो थीटा है ना, तो टैन थीटा का फॉर्मूला उन्होंने सिखाया था, ऐसा कोई एक राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो टैन थीटा बराबर क्या होगा, उसके सामने साइड को परपेंडिकुलर कहेंगे, इसको बेस कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, हाइपोटेनस। देखो इसको ये कह रही परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, गलती से मिस्टेक ना करो नहीं तो सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, टैन थीटा बराबर क्या आ गया यहाँ पर, म्यू। तो म्यू के बाद कौन कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, वन। मतलब बेस कितना होगा, वन होगा, है ना, वन नहीं होगा, वन एक्स होगा। और यहाँ क्या आ जाएगा, ये म्यू इंटू एक्स होगा। अभी एक्स क्या बला है, ये कॉमन फैक्टर है जो न्यूमरेटर में भी पाया गया और तो ये जब हम अपन डिविजन कर रहे थे वो कट गया, ठीक है। तो इसको डायरेक्टली वैल्यू नहीं लिखा जाता बेटा, तो यहाँ पे क्या जाएगा, हाइपोटेनस कितना आएगा, अंडर रूट म्यू एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो बचेगा क्या, अंदर म्यू स्क्वायर प्लस वन, और बाहर क्या आ जाएगा, बाहर एक्स आ जाएगा आपका। आएगा कि नहीं आएगा, किसी को अभी भी नहीं आ रहा तो दिक्कत है। अरे ये तो नाइन्थ क्लास में पढ़ाया गया होगा भाई, रेशियो होता है तो वैल्यू नहीं ले सकते। दो मिनट छोड़ देंगे मैडम, अभी 58 हो रहा है, ठीक है, टाइम्स एकदम। तो साइन थीटा कितना हो जाएगा, तो साइन थीटा निकालना है तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तब नशे में चल रहे हैं भाई, तो ये जाएगा परपेंडिकुलर कितना था, म्यू एक्स, और ये कितना था, म्यू स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स। देखो एक्स कट गया, बचा क्या, म्यू अपॉन म्यू स्क्वायर प्लस वन रूट के अंदर, ठीक है। कॉस थीटा कितना आ गया बताओ, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस कितना है, एक्स है ना, वन इंटू एक्स कह दो। नीचे क्या जाएगा, अंडर रूट बचेगा क्या, वन अपॉन अंडर रूट वन प्लस साइन थीटा मिल गया, कॉस थीटा मिल गया। अब आपको कंडीशन मिल गई, क्या करोगे, उठा के इसमें पुट कर दोगे, किसमें, एफ वाले फॉर्मूले में, ठीक है। तो आपको कंडीशन मिल जाएगी, ठीक, लिखो छापो। से लिख लो F मिनिमम, ये होमवर्क भी है, ठीक है, क्योंकि तो है बहुत आसान, लेकिन तुम लोग आज झेलने के मूड में नहीं हो, हाँ, इसलिए छोड़ रहे हैं, ठीक। F मिनिमम लिखो, म्यू एम जी अपॉन अंडर रूट ठीक है, और थीटा की वैल्यू क्या होगी, टैन इनवर्स ऑफ म्यू। ये फॉर्मूलेज एग्जाम के लिए ही है, एग्जाम में डायरेक्टली यूज करना, इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो थैंक यू।